सरकारें बदल जाती है परंतु नहीं बदलते हैं गांवों के हालात। अजमेर शहर में भी ऐसे ही कुछ गांव हैं जहां पर सरकारें तो बदली परंतु हालात नहीं बदले। अजमेर ज़िले के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के श्रीनगर कानपुरा कानाखेड़ी मार्ग पर आज भी 1 फुट से 1.5 फुट के गड्ढे देखे जा सकते हैं। इन गड्ढों में बारिश के दिनों में पानी भरा रहता है, जिससे कि हादसे की आशंका हमेशा से ही बनी रहती है। जबकि इस मार्ग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अजमेर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय के लिए मरीजों का आना और जाना लगा रहता है। साथ ही श्रीनगर पंचायत समिति मुख्यालय के लिए भी यह मुख्य मार्ग है, परंतु इस मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। विभाग न तो सड़क बना रहा है, न ही पानी निकासी का कोई इंतजाम कर रहा है। राज्य सरकार एक ओर तो मंत्रियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को चौपाल लगाकर समस्या समाधान के निर्देश दे रही है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत कानपुरा में है, शिकायत के बावजूद जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। आइए हम जानते हैं ग्रामीण प्रभु जी से कि ये बताएंगे कि क्या क्या, प्रेम राज जी से कि आइए क्या क्या समस्या है बताएं। सर, ये जो ग्राम कानपुरा के अंदर ये मालपुरा और रामसर के लिए जो लंबा रोड निकल रहा है जिलावड़ा से, उसके ऊपर करीब 1 किलोमीटर ये रोड जो ख़राब है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, ट्रैफिक में रात को गाड़ी घोड़े मोटरसाइकिल वगैरह गिर जाते हैं, कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई मौतें भी हो गई है। PWD विभाग को कई बार लिखा गया लेकिन आज तक उसकी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये PWD की रोड है, इसको बड़ा एक CC रोड या पुलिया बना करके ये रोड हो तो जनहानि से बचा जा सकता है, और ये जनहानि बहुत परेशानी ग्रामवासियों को आ रही है। कितना पानी भरा हुआ है, क्या इस रोड से कोई मरीज? ये दो चार जो गड्ढे हैं, दो चार गड्ढे के ऊपर तो करीब उसमें 3-3 फुट 2.5 फुट के ऊपर पानी है, कहीं 1 फुट के ऊपर पानी है। और ये जो अजमेर संभाग का जो सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल JNN है, उसके लिए इधर के जितने भी पेशेंट या जितने भी MOCML निकल रही है, तो ये एक बड़ा वो रास्ता है और बड़ी परेशानी आती है, मरीजों को भी दिक्कत आती है, समय पर मरीज पहुँच नहीं पाता है, कई बार यहाँ अटक जाता है, वाहन भी कोई ख़राब होता हो, कई बिल्कुल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो निकलते हैं ट्रेलर वगैरह वो भी ख़राब हो जाते हैं, रास्ता जाम हो जाता है। दूसरा कोई ऐसा बाईपास है नहीं इस गाँव में, कई घंटा तक जाम भी लग जाते हैं, इसलिए PWD की और सरकार की बड़ी भूल है। आपका नाम? मेरा प्रेमराज चौधरी, कानपुरा, पूर्व DR। श्रीनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कानपुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो मुख्य मार्ग का रोड है आपके है कानपुरा का, इस पे पानी भरा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मुख्य सड़क है जो श्रीनगर से अराई मार्ग को जोड़ती है, गाँव का मुख्य सड़क है, जगह जगह टूटी हुई है, पानी निकासी व्यवस्था नहीं होने से जगह जगह पानी भरा है, आम जन को काफ़ी परेशानी हो रही है। जब करीब 3 महीने पहले ये गौरव पथ बना था तो एक AN साहब को PWD बोला गौरव पथ यहाँ बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा हम इधर नहीं बना सकते, और उन्होंने दूसरे मार्ग को गौरव पथ के रूप में तब्दील कर दिया, जबकि गौरव पथ यहाँ बनना चाहिए था। और उन्होंने उस टाइम आश्वासन दिया कि वो जल्दी ही इस रोड का हम जीर्णोद्धार करके इसका कायाकल्प कर देंगे और इसके उचित प्रबंधन कर देंगे पानी का, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मानसून की पहली बारिश हो चुकी है, पहली बारिश में ही आप ये देखिए कि यहाँ पर आधा आधा फुट 1-1 फुट के गड्ढे बने हुए हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी को लेकर भी कोई कार्य नहीं किया PWD ने, क्या ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव बनाकर PWD को अवगत कराया? ग्राम पंचायत ने काफ़ी बार AN साहब को अवगत करा दिया, पर बाकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या मांग करेंगे कि रोड जल्द से जल्द बने? जल्द से जल्द बने। शुभनामा भगवान शुरू में इसलिए। ग्राम पंचायत श्रीनगर के मुख्य मार्ग पर 0.5 फुट से 1 फुट पानी भरा हुआ है, ये सड़क बन नहीं रही है, कई जगह से टूटी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ग्राम श्रीनगर में गत वर्षों से, यानी जब हम सरपंच बने जब से हम ये रोड देख रहे हैं, PWD वाले इस पे कोई निगाह नहीं डाल रहे हैं, और ये जो मेन चौराया है इस पे तो हमेशा हर बारिश में पानी भरा हुआ ही रहता है, और आने जाने वाले सभी राहगीरों को परेशानी से जूझना पड़ता है। मुख्य मार्ग से जो CSC हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल भी जाने में बहुत राहगीरों को परेशानी आती है, और अजमेर जाने वाले मार्ग पर जो कि नेशनल स्टेट हाईवे है,
स्टेट हाईवे होते हुए भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार द्वारा भी और पीडब्ल्यूडी द्वारा। पीडब्ल्यूडी को हमने इस रोड के बारे में हमने कोई 3-4 बार प्रस्ताव लेकर के हमने लिखा है, फिर भी इस पर अभी तक आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। और इतने एक्सीडेंट होते हैं कि आए दिन इन एक्सीडेंटों से सभी को परेशानी हो रही है। इस रोड पे ट्रेलर वगैरह भी इतने चलने लग गए हैं कि आने वाले को बहुत परेशानी होती है। सामने छोटी व्हीकल आती है तो ट्रेलर वाले उतारते नहीं हैं और ये लोग नीचे उतारने पे गिर जाते हैं और इनके लगती भी बहुत है। ट्रैक्टर भी बहुत आते हैं। अगर ये रोड थोड़ी चौड़ी हो जाए तो बहुत ही मैं आभारी रहूँगा सरकार का और पीडब्ल्यूडी वालों का, जिससे कि जनता को इसका लाभ मिले। कितना किलोमीटर तक ये रोड टूटी हुई है? ये करीबन 12 किलोमीटर तक है और इस पे घाटी घाट सेक्शन भी है। घाट सेक्शन की भी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे जो दीवारें बनी हुई हैं वो भी जगह जगह से टूट रही है और आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। अभी इन दिनों में तो ट्रकें भी उन घाट सेक्शन में नीचे गिर चुकी है। शुभ नाम आपका? दिलीप राठी, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत श्रीनगर।